हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूँ। कृष्णा ने आपको दो खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का, दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर कामयाबी का खत उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, चला डाला उसको? आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं।